हेलो बेस्ट युवराज, सेमी की आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है और मेरी। चलिए, हाँ जी सर, अब आ रही है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें NaOH वगैरह भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था ये कास्टेनर कैलेनर सेल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें बनाया जाता है। अभी जो दूसरा केस उसका आएगा, ठीक है, उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्वस NaCl, ठीक है, एक्वस कर दिया यानी ये डाइल्यूट हो गया आपका विथ सही, ये तो प्लेटिनम हो नहीं गया इलेक्ट्रोड, था। विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, नहीं ये वाला नहीं हुआ था, अच्छा, ये ये डाइल्यूट है। ओके डाइल्यूट है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होगा, NaCl है, NaCl किस में जाएगा, Na+ प्लस Cl-, ठीक है। उसके बाद H2O है अपने पास, तो H2O जो है वो जाएगा H+ + OH- में, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही एनोड और कैथोड वाला शुरू करेंगे। एनोड पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और कैथोड पे जो है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे तो एक तो एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा, Cl- OH-, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा Na+ और H+। अब इसमें यही देखेंगे किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, किसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ देखिए Cl- है और यहाँ OH- है, ठीक है। नो डाउट Cl- जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है। मैंने एक SRP का वैल्यू लिखवाया था तो Cl- ऊपर था और नीचे OH- था, लेकिन डाइल्यूट होने के वजह से OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा है OH- तो वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली आपका OH- ही होता है। तो OH- को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो ये किसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये चला जाएगा OH में, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने वाला हूँ, 4OH-, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4OH बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैथोड पे जब देखेंगे तो Na+ और H+ में आपका H+ ही ज्यादा, एक तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और दूसरी बात कि H+ ज्यादा रिड्यूस भी होना चाहता है एज कम्पेयर टू Na+, तो यहाँ पे H+ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे H+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक लेगा और ये रिडक्ट करके H बनाएगा, क्योंकि ये 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लो के H2 बना के स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल के डायरेक्ट मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि ये जो 4OH- है, ठीक है, 4OH- ये क्या करेगा, आपका 4 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे क्या करेगा, 2H2O बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। ये O2 कहाँ से बनाया, ये एक्चुअल में डायरेक्ट इक्वेशन लिखा हूं मैं कि यहाँ पे 4OH है ना, तो इसमें से क्या होगा आपका, OH कंबाइन होगा, ठीक है। जैसे 2OH+ 2OH कंबाइन होगा, ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे H2O बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या करेगा, एक H ले लेगा यहाँ से और OH यहाँ से, और ये कंबाइन होके बना लेगा आपका H2O और यहाँ पे बना लेगा O2, ठीक है। तो ये जो O2 है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और H2O भी यहीं से बन के यहाँ 2H2O बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंस कर दिया बेसिकली हमने 4OH- से, तो ये एक आपके पास एनोड की तरफ रिएक्शन बन गया। और इधर देखिए क्या होगा आपके पास, यहाँ पे तीन चीजें रिलीज होंगी, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए, चूंकि हम लोग 4OH- लिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम, 4H+ लेंगे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बना लेगा 2H2, क्या बनाएगा, 2H2। बैलेंसिंग, बैलेंस के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। किसके लिए किया हमने, बैलेंस के लिए किया है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब नेट रिएक्शन अगर लिखने चलते हैं हम लोग, नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन में देखिए क्या आएगा, नेट रिएक्शन का मतलब वही कंप्लीट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन की जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है 4H+ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है, और 4OH- दोनों मिला के अपने पास दे देगा 2H2, क्योंकि H+ से H2 बनेगा, और इस इन दोनों से क्या बना था, 2H2O बना था,
और उसके साथ O2 भी रिलीज हुआ था, तो O2 भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिला के हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4H2O, 4H plus 4 OH, एक OH और एक H plus से मिलके H2O देता है, तो 4H plus plus 4 OH minus मिला के 4H2O दे देगा, और अपने को दे देगा यहाँ 2H2 plus यहाँ दे देगा 2H2O, और फिर दे देगा आपके पास O2 गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सुलझा के लिख दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि H2O इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो ये 2H2O बचेगा, 4H2O माइनस 2H2O तो 2H2O बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2H2 और प्लस में क्या आ जाएगा, O2 गैसेस, सारे के सारे किसमें होंगे, गैसेस स्टेट में। और यही होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से लिखिए इसे, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट समय लिख देता हूँ। Done, sir. Done. Very good. Next slide करते हैं हम लोग। सर आपकी पॉज हुआ हुआ है। हाँ, स्लाइड चेंज करूं? हाँ जी सर, डन हो गया। अच्छा, मुझे लगा वही बस डन हुआ था इसलिए मैं रुका हुआ था। चलिए अब केस थ्री लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस थर्ड में देखिए क्या है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एच जी लेंगे एज ए इलेक्ट्रोड, कैथोड को एच जी लेंगे, तो वहां पे देखेंगे कुछ अलग सा होगा। यहाँ पे अपने पास है एक्वस NaCl, ठीक है। यहाँ पे ये जो NaCl है वो कॉन्सेंट्रेटेड है विथ एच जी एज कैथोड, HgH कैथोड ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे भी NaCl की जब बात कर रहे हैं, तो NaCl किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ H2O तो है ही, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो H2O को करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही वाली बात, एनोड और कैथोड वाली बात, तो एनोड है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऊपर से ये क्या होता है इसका यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे है अपने पास कैथोड, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, और यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। अब नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पे एनोड जो है वो तो प्लेटिनम ही रॉड है, ठीक है, प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव वाला ले लेंगे सीएल माइनस ओएच माइनस। सिमिलरली यहाँ कैथोड की जब बात करें, तो यहाँ पे है आपका एच जी एज अ कैथोड, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वाला एन ए प्लस प्लस
एन ए प्लस और एच प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट तो है नहीं, तो यहाँ पे वही उसी हिसाब से देखेंगे सी एल माइनस और ओ एच माइनस में ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होना चाहता है, सी एल माइनस ज्यादा चाहता है, तो सी एल माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी एल में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक सी एल को इलेक्ट्रॉन हम आपसे बैलेंस करेंगे तो ये सी एल टू हो जाएगा और ये टू सी एल माइनस, और सी एल टू में ये टू स्टेबल इलेक्ट्रॉन रहेगा, ही होगा ठीक सर। ठीक है। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों नहीं होगा, दो जी इलेक्ट्रॉन हो सर। जाएगा। उसके बाद एन ए प्लस और एच प्लस में रिड्यूस कौन होना चाहता है, तो यहाँ देखिए एच प्लस और एन ए प्लस में रिड्यूस होगा आपका एन ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे एच जी है और एच जी से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है सोडियम, इस वजह से यहाँ रिड्यूस जो होगा वो कौन होगा, एन ए होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, एच प्लस नहीं होगा, क्योंकि एच प्लस और एन ए प्लस में जो ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एच जी वो होगा यहाँ पे, तो एन ए प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एन ए में, क्योंकि बैलेंस करना है ओवरऑल रिएक्शन, तो मैं इसको टू लगा दिया, यहाँ भी टू लगा दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया, टू लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो टू एन ए है वो क्या करेगा, एच जी से रिएक्ट करेगा, टू एच जी से रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा टू एन ए एच जी, और इसी को क्या कहते हैं हम, सोडियम एमलगम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम एमलगम, और ये एक जी न्यूट्रल कंपाउंड होता है, सोडियम एमलगम कहते हैं, ठीक है, ये एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्लियर सर। है। अब एक्चुअल में होता यह है कि सोडियम तो सॉलिड में होगा, सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन मर्क्यूरी, सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन एच जी, दैट्स वाई यहाँ पे जो रिड्यूस होना होगा वो कौन होगा, एन ए होगा, ठीक है, एन ए होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो पीएच का जो होता है आपका, पीएच नो इफेक्ट, पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। जी सर। अब केस फोर ले लेते हैं हम लोग, अच्छा केस फोर चौथा में, भी है इसका हाँ केस फोर ले लेंगे, सर। ये होगा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl डाइल्यूटेड विद HDS कैथोड। एक्चुअल में इसको हम क्या लेते हैं, जैसे आपने टूट टूट के दूसरे में जाके चिपकने लगता है ना, वो वाला ले रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रॉन्स, एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रॉड्स, ठीक है, Ag इलेक्ट्रॉड्स ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये तीनों के लिए ही होता है आपका, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक कंटेनर है अपने पास, ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये आपका एजी है इलेक्ट्रॉड और ये वाला भी क्या है, एजी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है क्योंकि एजी है तो इसमें से एजी प्लस निकलेगा और इसमें एजी प्लस जाके चिपकने लगेगा, जैसे जैसे इसमें जाके चिपकने लगेगा तो ये थिक होने लगेगा कि नहीं, थीकर हो जाएगा, ठीक है, एजी इसमें से निकला, इसमें जाके चिपकेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे थिक होने लगेगा, ठीक है, और ये क्या होने लगेगा, थिन होने लगेगा, क्या होगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनोड और कैथोड की कहानी लिखते हैं, यहाँ पे है अपने पास एनोड और यहाँ पे है अपने पास कैथोड, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, ये कैथोड पे हमारे पास तो नेगेटिव, दोनों में एजी है ना। हाँ दोनों में एजी है, तो देखिए एनोड का क्या काम है, ऑक्सीडेशन एजी प्लस, और कैथोड का क्या काम है, रिडक्शन, वो लेगा तो चिपकेगा ही ना, जी यहाँ पे सर क्या है, समझ गया। नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये हम पॉजिटिवली इलेक्ट्रोलाइट चार्ज है, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट में एजी जाएगा एनोड से और फिर कैथोड में जाके डिपॉजिट हो पे जाएगा। जाके, हाँ, तो ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव का आपका क्या आएगा, एक्टिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा आपका सीएल माइनस भी है, दोनों तीनों ओएच माइनस भी है, और एजी जो है
ये खुद भी एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन होता है और यहाँ पे Ag प्लस ही है तो इसी का रिडक्शन होगा बस, ठीक है, किसका होगा, यहाँ पे तीन चीज है, Na प्लस भी है, H प्लस भी है और Ag प्लस है, इन सब में सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहते हैं, Ag प्लस रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, Cl माइनस OH माइनस और Ag में देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो Ag प्लस का ही, Ag का हो जाएगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहाँ पे किसका होगा गेन, Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ से टूटते जाएगा और दूसरे तरफ डिपॉजिट होते जाएगा, ठीक है, एक तरफ से टूटते जाएगा दूसरे तरफ डिपॉजिट होते जाएगा और इसका यूजेज जो होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है बेसिकली, ये किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरह से देखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कैथोड का जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एनोड का जो वेट होता है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो एज एन इम्प्योर मेटल जब लेते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी लेते हैं एज एन एनोड, तो इसमें से जितने भी प्योर होते हैं वो टूट टूट के, ठीक है, डिसोसिएट होके कैथोड पे जाके प्योर मेटल दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्योर मेटल होता है और यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर मेटल, मेटलर्जी में हम इसको पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है जी, डन सर, डन, वेरी गुड, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत आसान है, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होता है एट अ पार्टिकुलर कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड, सॉरी, एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज सप्लाई, ठीक है, जितना चार्ज देंगे हम उतना ज्यादा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो इसी को मैं सेंटेंस में लिख रहा हूं और अभी आपको समझ में आ जाएगा, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution, passing through solution या इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले देख लीजिए, बाद में लिखिएगा अभी, कि जैसे जस्ट सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, एक वो बना रहा हूं मैं रिप्रेजेंटेशन, ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये एनोड है तो एनोड के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये पॉजिटिव होता है और कैथोड के बारे में भी आपको पता है कि ये नेगेटिव होता है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब जो करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे जो जाएगा ये पॉजिटिव है तो आपको पहले से ही पता है कि नेगेटिव वाला पार्ट इसमें जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इसमें जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज क्यू, करंट आई इज इक्वल टू, आपको पता है कि करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई टी होता है और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, तो इससे बेसिकली हम चार्ज निकाल लेते हैं,
और जितना चार्ज आप पास कराएंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और द सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब डिपोजिशन कहाँ होगा पता है आपको, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ के, ठीक है, इस लॉ को, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ के मैथमेटिक्स में लिखें, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में, मास ऑफ सब्सटेंस, जस्ट सपोज एम मास है सब्सटेंस का या गैस का मास जो है एम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और एम इज इक्वल टू हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं जिसका नाम लिखता है जेड, ठीक है। जेड m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, वेयर जो जेड होता है आपका, जेड जो होता है आपका वो कॉन्स्टेंट है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये कोई कॉन्स्टेंट होता है? हाँ, कॉन्स्टेंट अभी पता चल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट। और ये जो होता है इसको कभी कभी ECE भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, m इज इक्वल टू जेड क्यू आ गया, q चार्ज है, m मास है और z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। बेसिकली z इज इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में आ जाता है आपके पास फैराडेज कॉन्स्टेंट। क्या आता है? फैराडेज कॉन्स्टेंट। फैराडेज कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू होता है बेसिकली वो होता है 96,400 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। एक्चुअल में फैराडेज कॉन्स्टेंट जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो फैराडेज कॉन्स्टेंट होता है आपका वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल की 1 मोल की बात हो रही है, तो 6.022 × 10⁻²³, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10⁻²⁻¹ कूलम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 96,500 कूलम आता है। एक्चुअल में ये 96,400 समथिंग आता है या 95,000 समथिंग आता है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया कि राउंड ऑफ करके इसको क्या कर दिया, 96,500 कूलम कर दिया, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये एक्चुअल में मैंने बता दिया आपको कि फैराडेज कांस्टेंट होता क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ से डिनोट करते हैं इसको, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन F हो जाएगा। और ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है बेसिकली, ये आपका नॉर्मैलिटी में सिखाया जाता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाता है आपका मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। और n फैक्टर बेसिकली यही होता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो आप रिएक्शन में देख के, जैसे n की वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग निकालते थे, n की वैल्यू किस में निकालते थे, नर्स्ट इक्वेशन में, वैसे ही n निकाल सकते हैं कि नहीं आप? सर कैसे? अरे n की वैल्यू जब रिएक्शन हो रहा था Zn plus USO4, तो वो बन रहा था ZnSO4 plus Cu, तो Zn कितना लूज किया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो n फैक्टर उसका कितना होगा, 2 हो गया। हां जी सर, समझ गया, वही वाली बात है, ठीक है। स्लाइड पीछे करूं? नहीं सर, ठीक है, हां जी सर, कर दो लोड फ्री पे। हाँ, ये देख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। सर हमारा आई क्या होता था? आई करंट, ये तो क्लास 10th में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज करंट, आई इज इक्वल टू
क्यू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी एंड टी टाइम हो गया। x से भी रिप्रेजेंट करते हैं n को, एक्चुअल में यहाँ पे x से ही रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको x लिख देता हूँ, और x जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। एक मिनट सर, पिछली स्लाइड जी आंसर m क्या था हमारा, m मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और मास ऑफ गैस लिबरेटेड। और वेट ऑफ मास डिपॉजिटेड, वेट ऑफ मास, मास ऑफ m क्या था, सब्सटेंस, m जो है मास ऑफ सब्सटेंस, मास और डिपॉजिटेड। वेट दोनों सेम है ना। जी सर, चलो स्लाइड चेंज करता हूँ। ये देखो तो ये फैराडेस कांस्टेंट कहीं देखा हुआ है पहले भी? हाँ देखा होगा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप। सर ई क्या है हमारा, ई ओवर एफ इक्विवेलेंट तो है वेट और वो, इक्विवेलेंट वेट, और एफ समझ जो है गया वो फैराडेज कांस्टेंट। समझ गया समझ गया। डन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू अपने पास आया था z इंटू क्यू, और इसको z इंटू आई टी भी लिख सकते हैं क्योंकि q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। जी सर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू अपने पास जो होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू, जैसे m इज इक्वल टू z इंटू क्यू, तो m इज इक्वल टू ई बाई, z इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू। ठीक हाँ है, जी सर, या फिर m इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं e बाई एफ इंटू आई टी। जी सर, बस तो इन्हें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक डन है, सर, लिख लिया, लिख लिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पीयर करेंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइट USO4। सर टाइम हम आवर्स में देते हैं, मिनट्स में? सेकंड में
एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जो है 63.5 ग्राम है, ऑप्शन दे रखा हूं मैं 4.2 ग्राम, बी जो है अपने पास 5.8 ग्राम, सी जो है अपने पास 6.6 ग्राम एंड डी जो है 8.2 ग्राम। सर तो हमारा करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 3600 सेकंड्स, और CuSO4 सॉल्यूशन है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 63.5 ग्राम, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो सर इसमें Cu प्लस टू से हम CuSO4, मतलब हमारे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। हाँ दो ही हुआ, तो ये हमारा बेसिकली जो इक्विवेलेंट मास है इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ वेरी गुड, बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 31.75। और सर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास चार्ज है, टाइम है, ये है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सी यू डिपॉजिटेड। अमाउंट ऑफ सी यू डिपॉजिटेड क्या हो गया सर, हमारा एम है ना, तो एम हमारा इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जेड इंटू आई इंटू टी बी, और तो हमारे पास इसमें क्यू दिया हुआ है, हमें जेड की तो वैल्यू कांस्टेंट होती है ना सर, नहीं ई बाई एफ होगा ना, एफ कांस्टेंट है लेकिन ई का वैल्यू चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द CuSO4 है, एफ कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, हाँ इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट वेट वो तो चेंज होता रहेगा ना, जैसे जिंक होता तो कुछ और आता, एल्युमिनियम होता तो कुछ और आता, तो सर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 31.75 डिवाइडेड बाय -96500। हाँ जी सर, और फिर हम यही वैल्यू डाल देंगे, बोला आपने, हाँ सर वो माइनस था ना वहाँ पे 96500, माइनस कहाँ है, प्लस होगा सर फिर, मल्टीप्लाई है ना ये, कुछ अरे नहीं सर है मन, ये बस ये ऐसे है, अच्छा दिस इज द एरो, चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी ना, ये नेगेटिव थोड़ी होगा, हाँ जी सर, चार्ज तो इज अ स्केलर जेड क्वांटिटी, हमारा आ गया सर, क्या कहते हैं जेड आ गया ये हमारा, तो जेड इंटू क्यू करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा एम इज इक्वल टू 31.75 अपॉन 96500 इंटू क्यू, क्यू हमारा दिया हुआ है 5, क्यू 5 दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है ना सर करंट, क्यू क्या होता है, क्यू, अच्छा सॉरी क्यू तो चार्ज होता है, हाँ तो सर क्यू हमारा क्या कहते हैं आई इंटू टी, तो टाइम हमें 3600 दिया हुआ है, तो हो जी गया 5 × 3600, जी तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कट गया, 5 से ये कट गया 193, 36 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, 3175 अपॉन 9300 इंटू 36, तो 3175 इंटू 36 अपॉन 19300, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे ख्याल से आंसर 5.87 आएगा, मैं बता रहा हूँ इसको वैसे एक बार और कि m निकालना है, m इज इक्वल टू आपको पता है z इंटू क्यू, और z इज इक्वल टू पता है आपको e बाई f, इंटू क्यू के जगह i इंटू t लिख सकते हैं, i इंटू t हो गया, e का जो वैल्यू है वो 63.5 और चार्ज ट्रांसफर 2 हुआ है, 1 बाई f करेंगे 96500 कूलम्ब आएगा, i का 5 इंटू 60 इंटू 60, अब यहाँ पे देख लेंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया और फाइव
वन जा फाइव, नाइन जा 45, थ्री जा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेगा तो 5.87 ग्राम समथिंग आ जाता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है, ठीक है, यूनिटरी मेथड का। हमें क्या फैराडेज इलेक्ट्रो जो फैराडेज लॉ है, फर्स्ट फैराडेज लॉ, ठीक है, इसको फर्स्ट फैराडेज लॉ भी कहते हैं। ये क्या देता है हमें बेसिकली, कितने चार्ज पे कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। हमें इतना पता है कि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके CU डिपॉजिट करेगा, कर रहा है कि नहीं, तो ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका मास जो है, ठीक है, 1 मोल ऑफ CU दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास 11 का स्टोइकियोमेट्री हो रहा है कि 1 मोल ऑफ CU प्लस 2 मोल ऑफ E विल गिव 1 मोल CU, और 1 मोल CU में कितना मास होता है, 63.5 ग्राम होता है कि नहीं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, मैंने पहले ही बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फैराडे, 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × F, 2F जो है वो 63.5 दे रहा है, तो यानी 2 × 96,500 कूलम्ब जो है चार्ज, वो 63.5 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 कूलम्ब चार्ज जो है कितना मास डिपॉजिट करेगा, तो 63.5 अपॉन 2 × 96,500 ग्राम, इतना ही करेगा ना। और इसके बाद हमें निकालना क्या है चार्ज में, क्यू निकालना है, आई इन टू टी, ठीक है, आई है 5 और ये 3600 कूलम्ब जो है वो कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 63.5 अपॉन में 96,500 कूलम्ब इंटू, सॉरी 2 × 96,500 कूलम्ब इंटू, ठीक है, 5 × 3600, वही चीज बना है जो यहाँ पे बना है, वही चीज यहाँ भी बना है, ये भी कितना देगा 5.8 ग्राम, 87 ग्राम। तो ये भी एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। यस सर, स्लाइड चेंज करूं? जी सर। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग इस पे। अपने पास जो है 2 फैराडे, ये जेई मेन 2015 का है, टू फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ कॉपर deposited at cathode is, यहां दे रखा है atomic weight of copper equals to 63.5 gram, A option है 0 gram, B option है 63.5 gram, सी ऑप्शन है आपके पास 2 ग्राम, एंड द डी इज 127 ग्राम। क्यू हमारा चार्ज होता है ना? हाँ, क्यू चार्ज होता है। और सर फैराडे हमारा 1 मोल पे कितना चार्ज है वो बताता है ना? एग्जैक्टली। तो सर 2 फैराडे है, तो 2 × 96,500 और उसका क्या कहते हैं, ऊपर दिया हुआ है हमारे पास एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं F into Q हो गया। तो F हमें 2 फैराडे दिया हुआ, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q हमारा 2F है, और
सर ये तो 2F² हो गया, कितना हो जाएगा 2F² 2F² जी सर। लेकिन हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सीओ डिपॉजिटेड निकालना है ना, जी सर तो ये निकालिए 2F, बिल्कुल सही। एफ स्क्वायर का क्या मतलब है? तो मतलब 2F और F मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। नहीं नहीं कहीं और जा रहे हैं आप। और एक मिनट, अच्छा सॉरी जेड तो नहीं हो, एक मिनट सर, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ओवर एफ है ना, इक्विवेलेंट मास हो गया हमारा तो सर 63.5 डिवाइडेड बाय 4 × 6, 96500 इंटू 2 × F। तो आपका आंसर कितना आया? आपने बोला ई सर बाई एफ, क्या बोला आपने? आंसर हमारा आ गया 63.5 ग्राम। वेरी गुड। तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे, एम इज इक्वल टू जेड जेड इंटू क्यू, जेड इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू, ठीक यही है। तो करें। अब जो हाँ अब जो क्यू है आपका, ये तो एफ ही रहेगा, क्यू जो है वो 2F है, तो एफ से एफ जी सर। कैंसिल। अब जो ई है आपका बेसिकली वो क्या है, ई सिक्सटी 63.5, थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू है, उसको इंटू टू तो कर दो उसे तो वो कर कट हो देंगे जाएगा 63.5। 63.5। इसी तरीके से और निकालो सर। हाँ, और दूसरा मेथड ये है कि सीयू जो है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर, एक मिनट रुक जाइए, सीयू जो है आपका Cu+2, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पे बना लिया सीयू। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो बना रहा है आपका 1 मोल सीयू। 1 मोल सीयू का मतलब क्या है, 63.5 ग्राम इसके मोलर मास के, एटॉमिक मास के बराबर होगा जी 63.5 ग्राम, और ये किसके बराबर है, 2F के। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2F, 2 फैराडे में इतना मोल, इतने मास है कि नहीं, तो जी सर ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जेई 2008 का एडवांस का है। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट इक्वल्स NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 mA करेंट, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 1 फैराडे। बट गैस क्यों रिलीज हो गई NaCl जब सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? Cl2 तो रिलीज हो सकता है ना, H2 गैस भी रिलीज हो सकता है, Na+ और H+ में ज्यादा रिलीज कौन, मतलब रिड्यूस कौन होना चाहेगा, H2 रिड्यूस होगा। जी सर। तो H2 की बात कर रहे हैं ना, 0.01 मोल ऑफ H2 में, NaCl पूछा था इसलिए आप, मैंने Cl2 की बात कर दी है। यहाँ 0.01 मोल ऑफ H2 गैस ही तो रिलीज होगा। जी सर। यहाँ पे ऑप्शन में है अपने पास 6.4 × 10⁴ सेकेंड्स, बी जो है ऑप्शन में अपने पास वो है 9.15 × 10⁴ सेकेंड, सी जो है अपने पास 19.3 × 10⁴ सेकेंड्स, डी जो है अपने पास 10⁴ सेकेंड्स। Peace.
सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपने पूरा कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसके आंसर डी ऑप्शन नहीं, गलत। सर इसमें बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा करना कैसे, मतलब डाइल्यूट NaCl है ठीक है सॉल्यूशन, इसको देखिए हम डाइल्यूट 10 NaCl है, देखिए यहाँ पे एक चीज है कि NaCl को बस करिए आप, इसमें क्या Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं कि H2O जो है वो गया H प्लस और OH माइनस में, तो जी हमें सर H प्लस की बात कर रहा है तो ये दोनों ही लेंगे ठीक है, और इन दोनों ठीक में भी है कौन रिड्यूस होना चाहेगा, H प्लस रिड्यूस H होना प्लस चाहेगा ठीक है, तो H प्लस को हम 2H प्लस लेते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा बेसिकली, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा H2 में। अब H2 इसको में सर, लिखना शुरू करते हैं ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें 1 मोल मिल रहा है H2, क्या मिल रहा है 1 मोल H2 मिल रहा है ठीक है, ये चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू 2F जो है वो दे रहा है 1 मोल H2। अब उल्टा सोचिए कि अगर आपके पास 2 मोल से 1 मोल H2 मिल रहा है तो 0.01 मोल है ये, तो ये Q इज इक्वल टू कितना होगा 0.02F होगा कि नहीं सर बताइए, हो गया। तो यहां से मिल गया अपने पास क्या मिल गया, ये मिल गया अपने पास सी चार्ज, ऑप्शन हो गया चार्ज हो गया हाँ, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी ठीक है, टाइम निकालना है, टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई। अब Q का जो वैल्यू है Q इज इक्वल टू आई टी, टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई होगा ना, तो ये हो जाएगा 0.02F का मतलब 96,500 कूलम अपॉन में आई 10 mA दे रखा है, तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए, और इतना सेकेंड्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। जी सर हो गया, लिख लिया आपने। एक मिनट सर, सर लिख लिया, एक मिनट वॉशरूम जाके आ सकता हूँ सर, जी, एक मिनट। हाँ जी नहीं चल रही है वॉशरूम, बहन जी अभी के मैं जी है जी सर, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्लाइड चेंज करूं? हाँ जी सर, चलिए इस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
आईआईटी 2007 की, काफी बड़ी क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। 4M एक्वस एनएसीएल, फोर मोल ऑफ एक्वस एनएसीएल, यस सर, 4 mole per liter प्रिपेयर्ड एंड 500 ml of this solution is electrolyzed this leads to, इसके तीन चार पार्ट हैं, तीन पार्ट है ठीक है, this leads to, और इसके बाद एक और क्वेश्चन, evolution of Cl2 gas at one electrode, at one electrode atomic mass, sodium का तो पता ही हमें 23, Hg का जो होता है वो 200 होता है, and one farad equals to 96,500 कूलम ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट पूछा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला पार्ट पूछा है टोटल मोल्स of Cl2 gas evolved, B part जो है वो है आपका कि if cathode is of Hg mercury electrode the maximum weight in gram of amalgam formed from this solution, from this solution ठीक है। तो चार्ज नहीं दिया हो ना हमें? नहीं, सी पार्ट जो है वो पूछ रहा है टोटल चार्ज required for complete electrolysis। चल सर, पहले का तो 2 mole हो गया। 2 mole कैसे हो गया सर? क्योंकि 4 mole per liter है, हमने 500 ml लिया है, तो 2 mole हो गया जो सोल्यूशन बचा। एंड इसमें पूछा है एवोल्यूशन ऑफ सीएल टू गैस, तो सीएल टू ज्यादा टेंड करती है, क्या कहते हैं, इवॉल्व होने में, तो इसीलिए वो 2 mole गैस हो गई। दूसरा क्वेश्चन, टोटल मोल्स ऑफ सीएल टू गैस तो 2 mole आ गया ना? जी सर। अब दूसरा, इफ कैथोड इज ऑफ एच जी, हाँ सर, तो इसमें तो एच जी का रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें एच जी का रिएक्शन तो क्या कहते हैं Hd to Hd जाएगा, तो फिर वो 200 अपॉन क्या कहते हैं सर, इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी Hd वाले में? किसके n की वैल्यू? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, वो तो चेक करना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, वही पूछ रहा था, क्योंकि Hg से Hg में ही जा रही है। देखिए, हाँ, Hg से Hg में नहीं, बेसिकली यहाँ जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, NaCl जो है वो कन्वर्ट होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब एक चीज तो पता है हमें कि Cl जो होगा वो 2 मोल लेगा, क्योंकि उसको Cl2 बनना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसका 2 मोल्स ऑफ NaCl विल गिव 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे एक्चुअल में दो दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 2 मोल जाएगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे Na प्लस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लेके ये तो इजिली Na में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा इसको, 2 ड्यू टू सी यू, तो यहाँ पे 2 moles और 2 moles इसका, तो इसका कितना होगा, इसका 2 mole इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका भी कितना होगा, 2 moles हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन मर्क्यूरी, तो NaHg जो है वो क्या दे देगा, NaHg दे देगा, Na प्लस Hg, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, इसका 2 mole है, इसका 1 mole इसके 1 mole से रिएक्ट करता है, तो सोडियम का 2 mole है, तो इसका भी 2 mole लेना पड़ेगा,
और इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाता है, तो इसका भी दो मोल लिया है हमने इसका, तो इसका दो मोल लेना पड़ेगा, और इसका भी कितना बनेगा, दो मोल बनेगा, ठीक है। तो इसके एक मोल में 223 ग्राम एक मोल में, तो दो मोल में कितना बनेगा 446 एटॉमिक मास किसका, एचजी का 200 है हाँ, और सोडियम का 23 है। अच्छा ओ हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक। मोलर मास जो होगा एक मोल का वो 223 समझ गया सर, जी सर। तो हो गया ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, तो सर ये इक्विवेलेंट मास आया या फिर हमारा क्या है, ये टू मोल, ये टोटल मास फॉर्म्ड एनएएचजी की, एनएएचजी कितना बना, तो 446 ग्राम बना। ये इक्विवेलेंट मास नहीं है, ये मास है। अच्छा ये मास है, ओके सर। अब थर्ड वाला मैक्सिमम, तो सर मैक्सिमम मास तो आई गया हमारा फिर 446 ग्राम। हाँ ये टोटल चार्ज, सर टोटल रिक्वायरमेंट के लिए हम 4 मोल ले लेंगे। 4 मोल क्यों लेंगे, उसमें पूछा ना कि एक मिनट से पीछे जा सकते हैं। हाँ हाँ टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सर, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस में हम 1 लीटर के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन तो 4 ml है, मतलब हाँ एक 4 moles के लिए देखेंगे ना। तो 4 ml के लिए तो है, लेकिन आधा लीटर है ना, अच्छा इज टू मोल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रोलाइज, तो हाँ जी होगा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर। ना होगा। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड, तो सर क्या कहते हैं, चार्ज है ना, चार्ज हमारा होता है क्यू, तो और हमारा क्या कहते हैं, टोटल मास एम इज इक्वल टू जेड क्यू, और हमारा यहाँ पे जेड जो दिया हुआ है, जेड हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, हमें चार्ज निकालना है, जी सर। तो यहाँ देखिए जरा NaCl है तो ये किसमें जाएगा, Na प्लस Cl माइनस में, तो यस इसने सर, तो ये बता ही दिया हूँ कि टू मोल टू मोल टू मोल जी सर, यही होगा ना। अब ये देखिए एनोड की बात करते हैं, एनोड पे पॉजिटिव होगा तो Cl माइनस आएगा, लेकिन इसका दो मोल निकाल के इसका सीधे Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इसका दो मोल है तो इसका कितना है, 1 mole है, और इसका कितना है, 2 mole है कि नहीं। जबकि यहाँ पे Na प्लस में देखिए कैथोड पे जाएंगे, कैथोड नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव जाएगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एक नहीं ये दो दो लेगा, NaCl की बात हो रही है तो इसका 2 mole, तो इसका 2 mole, तो इसका 2 mole होगा, तो इसके जी दो सर, मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो टोटल चार्ज की बात करें तो वो तो 2F होगा ना, यस सर, हो गया। हाँ जी सर, चलिए इस पे एक और सवाल करते हैं हम लोग। अ करेंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 मोल्टेन हैज अ करेंट एफिशिएंसी ऑफ 50%, फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम, यस सर, 1.33 ग्राम, 0.66 ग्राम, सर करंट एफिशिएंसी से हमारा मतलब क्या है, कितना एफिशिएंट है, जैसे आपने किसी चीज में इनपुट दिया 100 मतलब रुपीज अगर हम इस 2A कर 2 एम्पियर करंट को 50% एफिशिएंसी पे 1 एम्पियर ले तो चलेगा, हाँ वही होगा 2 एम्पेयर का अगर आपने इनपुट दिया तो और सर 50 इसपे परसेंट सीधा क्यों नहीं लिखा, ये इतना घुमाने का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना, यही सर IIT का क्वेश्चन है, हाँ उसी टाइप का है समझ क्वेश्चंस, गया हम सर, ऐसे ही मतलब पूछते हैं, ये क्वेश्चन जेई के मुश्किल नहीं क्वेश्चंस होते, नहीं। वो ये हाँ जो बस क्वेश्चन अनकोड कर सकता है वो कर लेगा,
इजीली कर लेगा वो भी। फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर डिपॉजिटेड, तो सर करंट हो गया हमारा 1 एम्पियर और सोल्यूशन AlCl3 का मोल्टन सोल्यूशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ एयर डिपॉजिटेड, मतलब हमें m बताना है मास, तो m इज इक्वल टू z इनटू q, q हमें क्या कहते हैं, q हमारा चार्ज होता है, करंट हमें 1 एम्पियर है, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, टाइम हमें दिया नहीं हुआ। अब क्या करें सर, टाइम, अरे इसमें 1 आवर लिख लीजिएगा, इसमें होगा क्या, पास्ट 2 एम्पेयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन 50% 2 एम्पेयर पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl फॉर 1 आवर कर लीजिएगा जी सर, 1 आवर हो गया तो इनटू 3600 कर लेते हैं तो वो इज इक्वल टू 3600 कूलम आ गया चार्ज, और क्या कहते हैं चार्ज आ गया हमारा Q, तो हमें M निकालना है तो हमें Z की वैल्यू चाहिए, Z हो गया हमारा एटॉमिक मास ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एटॉमिक मास हमें Al का दिया हुआ है 27 जी, अच्छा 27 दिया हुआ है ना, तो 27 अपॉन अब कितने ट्रांसफर हुए हैं, ये हमारा AlCl3, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो हमारा हो गया 27/3 9 हो गया, नाइन हो गया हमारा, नाइन हो गया हमारा जेड, तो ये आ गया 9 into क्या कहते हैं 3600। यहाँ पे बेसिकली m is equal to पूरा फॉर्मूला लिख देंगे e by f into z into क्योंकि 50% एफिशिएंसी है और ये इसको ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, फिर इजिली सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में ये सी का वैल्यू लिखा हूँ, ई बाई एफ का मैं क्या लिखा, 27/3/96,005, तो ये इसमें मल्टीप्लाई ही होगा ना। हाँ समझ गया, हो गया जी सर, ग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली 0.33 ग्राम आ जाएगा, 3600 3600, हाँ सर यही आ गया, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, स्लाइड चेंज करते हैं, एक और अच्छा सा सवाल है इस पे, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अ चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट्स, ये आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बी है आपका 1 mu ऑफ सब्सटेंस, mu क्या होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, अच्छा ओके, सी है आपका सर ए ऑप्शन हो गया 1 मोल क्योंकि 1F इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इन 1 मोल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल गलत। अभी देखिए तो सही, बी जो है वो है आपका 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सर डी हो गया, डी डी या सी एक बताइए ना, ऐसा थोड़ी होता है। देखो सर आपने सी पे बोला था कि देखो तो जरा, तो आपने सी पे बोला था देखो तो जरा, तो यहाँ तो सी होगा या तो डी होगा। m is equal to z into q, z is equal to क्या होगा, e by f होगा, और f q q कितना दे रखा है, f दे रखा है, तो जो मास डिपॉजिटेड होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर है ना, जी सर, तो ये हो जाएगा सर, मुझे पता ही था सी होगा, नहीं तो आप बोलते रुको, आपने कहा देखो इसका मतलब सी है। इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझ में आ गया, जी सर। चलिए सेकंड लॉ ऑफ फैराडे देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ये फैराडे सेकंड लॉ, तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि वेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले कि सेम अमाउंट, इस पे कुछ कंडीशन होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड The amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent. To its equivalent, ये समझाता हूँ मैं, एक डायग्राम बना के आपको. जैसे जस्ट सपोज अपने पास एक ये है ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ इलेक्ट्रोड है आपके पास, ठीक है. ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. इधर से एक इलेक्ट्रोड इसमें यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच, हाँ तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइट से हमारा क्या मतलब है, इक्विवेलेंट से मतलब देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कह देने का मतलब वही हो गया, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए मास ऑफ जिंक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक होगा, ठीक है. और सर हमने एक के क्या कहते हैं, एक के टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा है इसमें. पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है. अब इसमें और बाकी जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोलाइट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मतलब दूसरा वाला जो बार है. ये एक रिप्रेजेंटेशन बस शो किया हूं मैं, मतलब मान लीजिए अगर ये दोनों सॉल्यूशन में है तो ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट कर ही रहे होंगे. नहीं लेकिन सर उस पे चार्ज भी तो पास होना चाहिए ना, तभी तो उस पे चार्ज आएगा. देखिए यहाँ पे एक बस बेसिक सा ये कर रखा हूँ मैंने, मैंने ये कर रखा है कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे में कनेक्टेड हो, ठीक है. हो सकता है इससे कर भी सकते हैं हम लोग, लेकिन ये इनफ है, ठीक है, कि यहाँ पॉजिटिव है तो इधर से इधर इन दोनों में कनेक्शन है, ठीक है. हमें इससे मतलब नहीं है कि मतलब इन दोनों में कनेक्शन है कि नहीं है, ये एक नहीं सर उनकी कनेक्शन की बात नहीं कर रहा सर, मतलब हाँ, जैसे हाँ, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया, हमारा नोड हो गया है ना, हाँ तो उसी उसी कंटेनर में दूसरा वाला तो किसी सेल के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो हाँ ये कैसे होगा, कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है क्या, क्या नहीं होगा, तो वो फिर कैथोड कैसे बनेगा, उसमें कैथोड. चार्ज जैसे कैसे मान आएगा. लीजिए कि यहाँ पे आए अपने पास ये कैथोड, हमने ये ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है. अच्छा जी आपके सर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है, नेगेटिव नहीं है इस वजह से. मतलब सर मैं पूछा था उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ से जब वो कनेक्टेड ही नहीं है. ओके, मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना आपकी, जैसे पहले में ऐसे था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से ऐसे है. हाँ तो वो तो सर समझ आता है, एक सेल का टर्मिनल है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, उसमें पॉजिटिव आ गया. अच्छा तो एक काम करते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जैसे बनाया था मैंने, अभी जस्ट ड्रॉ किया, ठीक है. ये एक कंप्लीट सेल, जैसे मान लीजिए हमने एक सेकंड फैराडेज लॉ में क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ठीक है. जी सर, तो इसमें अलग अलग सेल में यही बताना चाह रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये अगर ये नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसमें समझ ये गया कह सर. रहा है जैसे कि हम दो सेल अगर कनेक्ट कर देते तो एक का पॉजिटिव दूसरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है. कनेक्ट हो गया, ठीक है. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर करंट सेम रखा आपने, ठीक है, और टाइम सेम रखा आपने, तो जो क्यू होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं. जी सर, तो यहाँ पे मास ऑफ जिंक जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड इंटू क्यू, जी सर, और जो जेड होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक अपॉन फैराडे इंटू क्यू, यही होगा ना. Equivalent of zinc over Faraday over into Q. Yes, sir. ये किसके लिए है आपका, मास के लिए, ZnSO4 के लिए है. अब अगर ZnSO4 हम के लिए. Cu का मास निकाले तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu अपॉन F इंटू क्यू. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए तो मास जो है, ठीक है, ये दोनों दोनों का रेशियो ले लेते हैं. रेशियो लेते ही अपने पास एम जेड एन अपॉन एम सी यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ई जेड एन अपॉन एफ, ठीक है, ई जेड एन अपॉन एफ इंटू क्यू था तो क्यू लगा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सी यू अपॉन एफ इंटू क्यू. तो यहाँ पे देखेंगे कि क्यू और एफ कैंसिल हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस
लो MZN, ये जो दोनों का रेशियो होता है वो अच्छा सेम होता है। ओके समझ गया सर। मतलब बेसिकली क्या मास का रेशियो इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास के दोनों हाँ, या फिर मास जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत सारे बुक में ऐसे लिख रहता है M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जी सर। ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि इसके करंट सेम हो, चार्ज चार्ज कब सेम होगा, करंट और टाइम सेम होगा तो चार्ज सेम हो जाएगा, चार्ज सेम हो सेम जाएगा हो तो आपका मास जाएगा। सेम हो जाएगा, और मास अगर सेम हो गया, ठीक है, मतलब मास का दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल के बराबर होते हैं, जी सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कौन सा शुरू करेंगे? परफेक्ट सर। वैसे भी मेरे लैपटॉप में 5% बैटरी बची थी। क्या 5% सर वैसे भी अभी बैट? मैसेज आया था 5% बैटरी बची थी, शटडाउन हो जाता। अच्छा, जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये कब कर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद इस पे डन क्वेश्चंस सर। कराएंगे और बैटरीज, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? सर उसके बाद जो आप बोलो। मैं सोचा था या केमिकल काइनेटिक्स कर लेते हैं पहले। हाँ सर वो जो हमने सोचा था कि छोटे चैप्टर हैं, हाँ हाँ जो जल्दी हो जाए वो वाले कर लेते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।